Channel. I am Mansi and I really hope you all are doing great. So in today's video, I'm going to share with you guys this makeup look, which is a copper smoky eyes, and I really hope you like the makeup look. Abhi se, if you did, please hit the like button. And yeah, without wasting more time, let's get into the video. सो सबसे पहले आई एम यूजिंग बायोटिक का बायो क्यूकम्बर टोनर एंड उसको मैंने कॉटन पैड में ले लिया है एंड अपने पूरे फेस में डैब कर रही हूँ. नेक्स्ट आई एम टेकिंग लैक्मी पीच मिल्क मॉइस्चराइजर एंड इसको मैं पूरे फेस में अप्लाई कर लूँगी एंड ब्लेंडिंग कर लूँगी अपने फिंगर से. नेक्स्ट आई एम टेकिंग ब्लू हेवन्स का स्टूडियो परफेक्शन प्राइमर एंड इसको अपने टी जोन एरिया पर फोकस करते हुए पूरे फेस में अंडर आइज आईलेट्स हर जगह पर अप्लाई कर लूँगी. आईलेट्स को प्राइम ज़रूर करिए क्योंकि वहाँ पर क्रीजिंग आने के चांसेस रहते हैं. सो या उसके बाद मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर इन द शेड 05 मीडियम मॉइन एंड इसको मैं अपने आईलेट्स में एज अ बेस यूज़ कर रही हूँ. मैं अपने फिंगर के हेल्प से ही ब्लेंड कर ले रही हूँ कंसीलर को एंड देन आई एम यूजिंग ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट पाउडर एंड इससे मैं सेट कर लूँगी अपने आईलेट्स को ताकि ऑयल प्रोड्यूस ना हो ज़्यादा आईलेट्स में. एंड नेक्स्ट आई एम टेकिंग स्विस ब्यूटी का जेल आईलाइनर प्लस ब्राउ पाउडर एंड उसका जो पाउडर है उससे मैं अपनी ब्राउज को फिल कर लूँगी. नाउ ये पार्ट अगर आप आखिर में भी करोगे तो कोई इशू नहीं है. मैंने इसको स्टार्टिंग में ही कर लिया. आपको प्रॉपरली अपने पहले एंड्स को फिल करना है मिडिल से एंड देन फ्रंट पोर्शन को फिल करके स्पूली आउट कर लेना है. नेक्स्ट मैं वही जेल ले रही हूँ एंड इसको मैं अपने आईलिड्स में जैसे कट क्रीज ड्रॉ करते हैं वैसे आपको अप्लाई कर लेना है पूरे आईलिड्स में. लाइक एक सेमी सर्कल आपको ड्रॉ करना है. यू कैन सी हाउ आई एम डूइंग दैट. ये लुक ना स्टार्टिंग में थोड़ा स्मोकी आई जैसा ही टर्न आउट होगा. नेक्स्ट मैंने लिया है हुडा ब्यूटी रोज गोल्ड री मास्टर पैलेट से ये शेड विच इज़ हेना एंड इससे मैं मेरे एजेस को थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी. बट मुझे ये कलर थोड़ा ज़्यादा ही लाइट लग रहा था देन मैंने थोड़ी देर कोको शेड ले लिया था. नाउ अभी तो मैं एजेस को ब्लेंड कर ले रही हूँ प्रॉपरली एंड यू कैन सी हाउ आई एम डूइंग दैट. नेक्स्ट मैंने ले लिया है शेड कोको एंड पेंसिल ब्रश. आप प्लीज़ एक पेंसिल ब्रश का ही यूज़ करिए, एक फ्लफ़ी ब्रश मत यूज़ करिएगा क्योंकि वो एजेस को जो ब्लेंड करना है ना वो फ्लफ़ी ब्रश से इतने अच्छे से नहीं हो पाएगा जितना आपके एक पेंसिल ब्रश से होगा. सो या बैक एंड फोर्थ मोशन में मैंने वो डार्क कलर को अप्लाई कर लिया विच इज़ द कोको. नेक्स्ट मैंने वही है ना और एक सैंडलवुड शेड है उसके बाजू में वो शेड लेकर अपने क्रीज को ब्लेंड कर लिया, लाइक उस कलर के एजेस को ब्लेंड कर लिया है. कैमरा में इतना शो नहीं हो रहा है बट इन रियल लाइफ काफ़ी ब्लेंडेड लुक आ रहा था. नेक्स्ट मैंने ले लिया है ये शेड विच इज लाइक अ कॉपरी शेड एंड ये काफ़ी प्रिटी शेड है. इसमें बहुत थोड़े थोड़े ना ग्लिटर के चंक्स थे तो मैंने ना जहाँ जहाँ ब्लैक लगाया है ना इसको आधे आईलिड से लाइक अ कट क्रीज ड्रॉ करते हुए मैं इस कलर को अप्लाई कर लूँगी. नाउ यू कैन सी कि मैंने कोई कंसीलर यूज़ नहीं किया फॉर कट क्रीज. आई एम डायरेक्टली डूइंग द कट क्रीज विद द ब्रश एंड द आई शेडो. सो या एक टेक्निकर आपको पता होगी ना तो आप बिना किसी चीज़ के आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो. नाउ जो मैंने अपने ब्रश से एक्सेस प्रोडक्ट रिमूव कर लिया है एंड जो एजेस है उसको ब्लेंड करते हुए पूरे जो काजल था मेरा जो जेल था उधर तक लगा लिया है. नेक्स्ट मैंने लिया है ब्लू हेवन का इट्स टेक वर्की ऑरेंज करेक्टर हाइड माई हिक्की वाला जो मिनी हाइड माई हिक्की आता है उसका, बट जो मेरा स्टिक थी वो टूट गई तो मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया था.
तो मैं इसको अपने अंडर आइज में अप्लाई कर ले रही हूँ विथ माई फिंगर ओनली, एंड जहाँ जहाँ मुझे पिगमेंटेशन है या डार्कनेस है आपको वहाँ वहाँ पर अप्लाई करना है और बहुत अच्छे से ब्लेंड करना। पैचीनेस नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कंसीलर हो या कुछ भी हो, अगर आप अच्छे से ब्लेंड नहीं करोगे तो वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं, आपका बेस ख़राब हो सकता है इससे। सो आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट वेरी नाइसली विथ माई फिंगर्स ओनली। नेक्स्ट मैंने वही पाउडर से थोड़ा सा सेट कर लिया है, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा सेट किया है मैंने, जस्ट कि जब मैं फाउंडेशन लगाऊँ तो वो मिक्स ना हो। नेक्स्ट मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फाउंडेशन इन द शेड डेजर्ट बीच, एंड इसको पूरे फेस में मैं अप्लाई कर लूँगी एंड अपने नेक में भी अप्लाई कर लूँगी। मैं स्पैचुला का ही यूज़ कर रही हूँ जो उसमें आता है फॉर अप्लाइंग इट। यू कैन इवन टेक इट ऑन योर बैक ऑफ योर हैंड्स एंड देन अप्लाई इट, नो इशू। तो मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया एंड देन आई एम ब्लेंडिंग इट विद ब्यूटी ब्लेंडर। नाउ यूजुअली मैंने आपको बताया ये फाउंडेशन बहुत थिक है तो मुझे ब्रश से ब्लेंड करना पड़ता है, सो या मुझे इस बार भी ब्रश से ब्लेंड करने की ज़रूरत थी, बट मैंने ना इस बार ड्रैग कर करके ब्यूटी ब्लेंडर को ब्लेंड कर लिया क्योंकि मेरे ब्रशेज गंदे पड़े थे, एज सिंपल एज दैट। सो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ही जैसे तैसे करके घिस घिस के ब्लेंड कर लिया, एंड यू कैन सी बहुत हार्ड हो रहा था मेरे लिए, लाइक ये बहुत जल्दी ना सेट हो जाता है और ब्यूटी ब्लेंडर से पता नहीं क्यों ब्लेंड नहीं होता है। नेक्स्ट मैंने लिया है वही सिस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर इन द शेड 05 मीडियम मोइन, एंड इसको अपने अंडर आइज में ब्रिज ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज, एंड जहाँ यूजुअली मैं हाईलाइट करती हूँ वहाँ वहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। नाउ ये शेड काफ़ी लाइट है ना मेरे लिए, तो ये हाईलाइटिंग के ही काम आता है। सो अगर आप इसको अपनी बेयर स्किन में अप्लाई करना चाह रहे हो, लाइक अगर आपका स्किन टोन मेरे टाइप का है तो आप नहीं लगा सकते अपनी इस बेयर स्किन में इसको फाउंडेशन को, पर फिर भी अच्छा दिखता है। सो आई एम ब्लेंडिंग इट विद माई ब्यूटी ब्लेंडर ओनली, यू कैन सी दैट। बस डैब करते जाना है, प्लीज़ इसको ड्रैग मत करिएगा, वो फाउंडेशन की बात अलग थी, वो फाउंडेशन थोड़ा ज़्यादा ही मैटिफाइंग है तो मुझे उसको ड्रैग कर करके करना पड़ा ब्लेंड। तो या अंडर आइज का आपको दिखाऊंगी, मैंने जैसे ये ऊपर साइड में ब्लेंड किया ना तो मेरी एक साइड फेस का बहुत लिफ्टेड दिख रहा था एंड एक साइड काफ़ी ड्रूपी दिख रहा था। सो या वही ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट लेकर मैंने जहाँ जहाँ पे कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ वहाँ पे सेट कर लिया। वो जो फाउंडेशन है वो थोड़ा मैटिफाइंग है, थोड़ा सा ज़्यादा ड्राइंग है, तो मैंने पूरे फेस में पाउडर नहीं लगाया, लास्ट में बस थोड़ा सा जो एक्सेस प्रोडक्ट जो मेरे ब्रश में बच रहा था मैंने उसको सिर्फ डैप कर लिया था, बाकी मैंने और नहीं लगाया कहीं पे, सिर्फ जहाँ कंसीलर लगाया था वहीं लगाया मैंने। नेक्स्ट मैंने लिया हिलारी रोडा की काजल पेंसिल, एंड इसको अपने वाटर लाइन में अपर एंड बॉटम वाटर लाइन दोनों में अच्छे से टाइट लाइन कर लेना, बहुत अच्छे से अप्लाई कर लेना है काजल को, एंड देन मैं वही पेंसिल ब्रश लेकर पहले मैंने काजल को ब्लेंड किया। आप थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर देख रहे हो ना, तो वो पहले का जो लगा था वही था। नेक्स्ट मैंने लिया है कोको शेड एंड उससे मैं ब्लेंड कर लूँगी, वही सेम पेंसिल ब्रश है, कोई और ब्रश मैंने नहीं लिया है। यू कैन लिटरली डू योर मेकअप यूजिंग ओनली टू ब्रशेस, ठीक है। नेक्स्ट जो पाउडर था मैंने उसको रिमूव कर लिया विथ अ ब्रश, एंड मैंने थोड़ा थोड़ा उसको जो पाउडर एक्सेस प्रोडक्ट लगा था ब्रश में उसी को ब्लेंड कर लिया था अपने पूरे फेस में। नेक्स्ट मैंने ले लिया है ये शुगर की कॉन्टोर द फोर्स पैलेट, एंड इसमें से जो आप देख रहे हो ना ब्राउन शेड वो लेकर अपने फेस को मैं कॉन्टोर कर लूँगी। मैंने अपने नोज़ भी उसी से कॉन्टोर करी, अपने पूरे फेस को मैंने उसी से कॉन्टोर किया है, एंड नेक्स्ट वही पैलेट का ब्लश लेकर मैंने अपने फेस में अप्लाई कर लिया लाइक एप्पल ऑफ द चीक्स में टिल द कॉन्टोर एंड। एंड नेक्स्ट मैंने ये ब्राउन शेड लिया है एंड हिना शेड लिया है, लाइक सेंटर वुड एंड हिना शेड लिया है, एंड इसको मैं अपने जो लोअर लैश लाइन मैंने कलर लगाया था उसको ब्लेंड कर लिया क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा से लाइन्स ही लग रही थी तो मैंने उसको ब्लेंड कर लिया। नेक्स्ट मैंने वही कॉन्टोर द फोर्स पैलेट लिया है एंड उससे मैंने हाईलाइटर भी लगा लिया। लाइक ये पैलेट बहुत अच्छा है यार फॉर बिगनर्स, आई वुड हाईली सजेस्ट। तो जहाँ जहाँ मैं यूजुअली हाइलाइटर लगाती हूँ अपने फेस के वहाँ पे लगाया, अपनी ब्राउ बोन्स एंड इनर कॉर्नर्स में मैंने दूसरा कलर लगाया था, ब्राउ बोन में मैंने वही कलर लगा लिया था, फिर इनर कॉर्नर्स में ये जो मैंने आप देखे ना हैशटैग ब्लेस्ड नाम है इस शेड का, तो मैंने वो शेड को अपने इनर कॉर्नर्स में थोड़ा सा अंदर तक एक्सटेंड किया था एंड वहाँ तक अप्लाई किया। नेक्स्ट मैंने लिया है रेवलॉन का लिप लाइनर, सॉरी मैं दिखाना भूल गई, एंड शेड मैंने आपको पहले बताया, शेड उसका हट चुका है नाम, सो पहले वो मैंने लगा लिया, एंड देन मैंने ये कलर ब्लास्ट की लिपस्टिक लगा लिया था, ये थोड़ा सा कॉप रस्टी कलर है, मेरा जो क्रीज कलर था क्रीज के ऊपर जो मैंने कलर ब्लेंड किया था उससे काफ़ी सिमिलर टाइप का शेड है,
ऑन कैमरा हर चीज़ ना डिफरेंट दिखती है, आई डोंट नो वाई, बट ठीक है। नेक्स्ट ये थोड़ा सा डार्क लग रहा था मेरे को, तो मैंने स्विस ब्यूटी का हल्का सा कंसीलर लेकर उसको ब्लेंड कर लिया अपने लिप्स में। ये से अगर आप चाहते हो अपनी लिप्स को लाइटन अप करना तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, लिपस्टिक को अगर लाइट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने ले लिया स्विस ब्यूटी का जेल आईलाइनर एंड इससे मैं एक आईलाइनर ड्रॉ करने वाली हूँ। नाउ मैं इसको हाफ वे थ्रू ही ड्रॉ करूँगी एंड जो एंड वाला पार्ट है ना उसमें मैं अपने आईलाइनर को ब्लेंड कर लूँगी। आप देखोगे मैंने सिर्फ आधा ड्रॉ किया है एंड एंड्स में मैंने एक ब्रश के हेल्प से ब्लेंड कर लिया है उसको एंड इससे काफ़ी प्यारा स्मोकी लुक आया था। नेक्स्ट मैंने ले लिया है ये मार्स का मस्कारा, ऑल टाइम फेवरेट, एंड इसको मैं अपने उससे अपने लैशेज को प्रॉपरली कोट कर लूँगी, अपर एंड बॉटम दोनों को। अपने अपर को अगर आप कर रहे हो ना बॉटम ज़रूर करिए क्योंकि उससे ना काफ़ी अच्छा आई का लुक आता है। सो या नेक्स्ट मैंने लिया है लैकी ब्यूटी की आई लैशेज एंड या विद दैट वी आर फिनिश विद द लुक। Thank you so much for watching this video. I really hope you enjoyed the video and found it really, really helpful. If you did, please hit that like button. Please share this video to your friends and family and जिसके लिए भी helpful हो and उनको भी बोलो channel को subscribe कर दे, और अगर आपने नहीं किया है तो जल्दी से subscribe कर दो and also don't forget to press the bell icon so whenever I post any new video you can easily get notified and do let me know your thoughts and give me your suggestions in the comments down below and yeah that's all for today. See you all next time. Bye bye.